नहीं, प्रोफेसर साहब, नाकाम आप लोग हैं। अगर ये 5 राज्यों में कांग्रेस का सफाया करते हैं महंगाई की इतनी बढ़ती धार की वजह के बावजूद, तो ये आपकी नाकामी है। अंजना जी, मैंने इनको भी सुना और आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। आज मौजूदा केंद्र सरकार ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा सिलेंडर की कीमत भारत में, ये मैं नहीं कह रहा, आज रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई है। पेट्रोल की कीमत दुनिया में सब तीसरे नंबर पर भारत में है। डीजल की कीमत दुनिया में 7th नंबर पे भारत में है। भैया, रूस यूक्रेन युद्ध तो उनको भी प्रभावित कर रहा है, उनके यहाँ सस्ती कैसे मिल रही है रसोई गैस सिलेंडर? बीच में नहीं, जफर साहब, दुनिया में आपने नया कीर्तिमान बनाया। फिर अंजना जी, आपने इनसे पूछा कितना टैक्स लेते हो, इनको तो नहीं पता, मैं बता देता हूँ, इनको अगले शो में काम आएगा। पेट्रोल पर प्रति लीटर वाला भी बता दीजिएगा, पेट्रोल पर राजस्थान वाला, अरे राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी बताऊंगा और कर्नाटक का भी बताऊंगा, चिंता ना करिए। प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 29 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो 2014 में 9 रुपए 20 पैसे थी। मतलब पेट्रोल पर 203% की एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि हुई है। प्रति लीटर डीजल पर केंद्र सरकार 22 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो 2014 में 3 रुपए 46 पैसे थी। अर्थात डीजल में एक्साइज ड्यूटी पिछले 8 वर्षों में वृद्धि हुई है 530%। मुझे एक चीज बताइए, आप सब लोग बच्चे, सब जागरूक बच्चे, सब समझते हैं सारी चीजों को, 8 सालों में एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगा के केंद्र सरकार ने 26.51 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया। अर्थात भारत में 26 करोड़ परिवार बसते हैं तो प्रति परिवार फ्यूल टैक्स के नाम से 1 लाख रुपया प्रति परिवार, प्रति भारत के परिवार ने भारत की सरकार को दिया। ध्यान रहे, पेट्रोल का जो टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है। इनके दोस्त जो अंबानी और अडानी है, उन्होंने भी 1 लाख रुपया ही दिया, भारत के अन्नदाता ने भी 1 लाख रुपया ही दिया, आज तक के सारे व्यूअर्स ने भी 1 लाख रुपये दिया, यहां पे जितने लोग बैठे हैं उनके परिवारों ने भी 1 लाख रुपया ही दिया। तो ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी हमको बताना चाहते हैं? क्यों 137 दिन जब चुनाव थे तो उस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ती है? मुझे बताइए ना, नोबेल प्राइज ऑन इकोनॉमिक्स मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को, कि जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है फिर भी उन्होंने नहीं बढ़ने दिया, वो कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? वो इकोनॉमिक मॉडल इन बच्चों के सामने रखो, ताकि ये भी समझे कि चुनाव के दौरान 137 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े। अब आपने पूछा अंजना जी कि स्टेट गवर्नमेंट्स कितना लेती, वाजिब सवाल है। आप मुझे बताइए, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी लेती है उसको कहते हैं स्टेट वैट। वैट लगता है एड वैलोरम, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र सरकार लेती है, पेट्रोल का जो क्रूड प्राइस है, उन दोनों का जो समेशन होता है उस पे स्टेट वैट लगता है। हाँ। मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पे जो 2014 के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी ला दे तो 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 27 रुपए प्रति लीटर डीजल कम हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज अपने आप कम हो जाएगी। ये मेरा जवाब है, अपने आप कम हो जाएगी अंजना जी। जवाब दे, मेरा पहला सवाल तो भूल ही गए, मैंने कौन सा सवाल, मैं आपको आपके विपक्ष की नाकामी, आपने महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं बना पाया। अब आप बताइए, आज भी राज्य गए, आज भी अंजना जी आप ये क्या समझते हैं कि चुनावी जीत में अगर किसी को जीत मिलती है तो उसको जनता की जेब पे डाका डालने का क्या लाइसेंस संविधान देता है? मुझे आप बताइए, कोई पार्टी अगर चुनाव में जीत जाती है तो वो क्या जनता की जेब पे डाका डालेगी? एक वक्त पर मुझे एक चीज बताइए, ये गलत दिल्ली में, ये मैं की कीमत सही है गौरव वल्लभ साहब, एक वक्त पर सुषमा स्वराज की दिल्ली में सरकार गिर गई थी प्याज की कीमत पर, लेकिन आज विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? एक चीज बताइए, क्यों नहीं घेर पा रहा? चुनाव, हमने तो चुनाव में के दौरान भी गैस के सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस प्रमुखता से उठाई, पर आप ये बताइए, और हमें हमारे नतीजे हमारे जो एक्सपेक्टेशन थे उसके अनुरूप नहीं हुए, पर क्या कोई पार्टी चुनाव में जीत जाए तो पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए प्रति लीटर 15 दिन में बढ़ा देगी? पूछ क्यों रहे हैं? शो इसलिए तो किया है, ये पूछने की क्या जरूरत है? किसने दिया शो? इसलिए तो किया है क्योंकि हम उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं, क्या ये लाइसेंस किसने दिया? आप विपक्ष की नाकामी पर एक बात नहीं बता पा रहे हैं। सुनिए, विपक्ष की नाकामी पर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। आपके सवालों के और इन बच्चों के सवालों के जवाब, ठीक है, लोगों के सवाल, एक दो लाइन का जवाब,
सेकंड में 51,000 करोड़ का है, 10 सेकंड, 26,51,000 करोड़ का है। उसके प्रधानमंत्री जी ने अपना घर बनाया, अपने लिए 2 नए जहाज खरीद लिए, 26.51 लाख करोड़ रुपया का है, मैं जरा आपको पिछले 8 साल से ड्यूटी से जवाब हुआ जवाब। अंजना जी, पहले तो उन्होंने कहा, सबसे पहला झूठ आपके सामने ही बताते हो कि दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तीसरे नंबर पे सबसे महंगा पेट्रोल बेच रहा है। देखिए, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं, ये आंकड़े जो है पब्लिश्ड आंकड़े हैं। आपको सिर्फ ए से जब अगर नाम से पूरे दुनिया का ले तो अलग चले, बहुत दूर तक चले जाएंगे। बोस्निया 127 रुपये, आपको बेल्जियम 151 रुपये, बारबाडोस 154 रुपये, तो उसके ऐसे कम से कम 40 कंट्री मैं अभी दिखा सकता हूँ जो 120 रुपये से ऊपर है जिसका। हांगकांग 218 रुपये, 150 ले जाइएगा। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको नहीं, नहीं, एक मिनट, पहली बात, दूसरी बात, बता रहे, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अंजना जी, अभी इसको मजाक में मत लीजिए, दुखिए, अभी से ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया है। एक मिनट, चलिए ठीक है, एक बार पूरा कर ले, 10 सेकंड, एक मिनट, 10 सेकंड, बसिया बैठे हैं, 10 सेकंड, मोबाइल में टाइप करो कॉस्टलीस्ट एलपीजी गैस इन वर्ल्ड, और अगर मैं गलत हूँ तो यही कहीं अभी बताओ, अब देखिए, अभी कॉस्टलीस्ट पेट्रोल चल रहा है, अभी देखो, अभी पेट्रोल के बारे में, प्रोफेसर साहब ने बहुत चालाकी से क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया, क्वेश्चन पेपर बदल दिया, इनको बताओ, मेरी बात खत्म, कॉस्टलीस्ट डीजल इन द वर्ल्ड चेक करिए, चेक करिए, अगर आपको नहीं मिले तो इनको बताइए। अरे भाई, आप जाकर वहाँ देखो, लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, दूसरी बात देखिए, मुझे बीच में बात किए, यही आज ही के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, अरे आज ही के समाचार पत्र सुन लीजिए, मैं सबसे, यहाँ पर इन्होंने वैट कम नहीं किया, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, वैट कम कर रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार पहले एक्साइज ड्यूटी कम करे तो वैट कम होगा, वैट को कम कर दीजिए ना, आप हमारे गोवा में तो सरकार ने जीरो कर दिया था, इनको आप कर दीजिए, बैठाओ इनको, आप बैठ कर दीजिए, आपको मिला कि नहीं, आप बैठ कम कर दीजिए, आप बैठ कम कर दीजिए, मत बोलिए, अरे झूठ मत बोलिए, आप दोनों से उसके बाद बैठ कम करिए, उसके बाद बात कीजिएगा। देखिए अंजना जी, अंजना जी, मेरे सवाल का खत्म हो जाए, 15,000 करोड़ रुपए लोगों ने वैट से खाली किया, हमने 1 लाख करोड़ की छूट दी है, इन लोगों ने वैट में 15,000 करोड़ सारे स्टेट मिल के, और बहुत सारे स्टेट जाएंगे की सरकार है वहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया, करके बताओ आपको मिला कि नहीं, पर्दाफाश करो, प्रोफेसर बाशे को तो बोलने दीजिए, अभी अभी बोलेंगे सारे बच्चे, सारी बात है, ये ऐसे उदाहरण देंगे, बेल्जियम के इन्होंने नाम दिया, जब बेल्जियम की पर कैपिटल इनकम से देख लो, हमारी तो अरे भाई दुनिया की बहुत सारी बांग्लादेश से कम कर दी इन्होंने, हमने कहा 50 पर कैपिटल इनकम बांग्लादेश से कम कर दी इन्होंने, उत्पादक ताकतों को मार दिया, उत्पादक फोर्सेस को मार दिया, उत्पादक के मींस को मार दिया, तो कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, कैसे महंगाई को रोक लगाएंगे, ये जनता का लूटेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक की नीति चला रहे हैं कि जनता की जेब इतनी खाली करो कि वो रोटी ढूंढती रहे, सड़कों पे ना आए, और अल्टीमेटली आएगी वो सड़कों पे। ऐसा नहीं है कि हम जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, हम पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा जुलूस निकाल चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में भी आज हमने 3 निकाले हैं, मैं जुलूस से लेकर ही घर पहुंचा था और इतने में आपका फोन आ गया, मैं यहाँ आ गया, मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये महंगाई इतनी बुरी है, 240 रुपये किलो तो पिलाई का तेल है, मतलब नॉन ब्रांडेड, जिसको हम धूप में रखना पड़ता है, 12% वो कम हो जाता है धूप में रखने के बाद, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वो बैठता 260-262 रुपए लीटर, ये खा के दिखा रहे तेल, इनको पता ही नहीं है कि आलू के क्या भाव है, इनको ये राशन लेने जाते ही नहीं, ये बीजेपी वाले तो आजकल खान मार्केट से खाना मंगवाते हैं, वहां खाते हैं, लीला के भाई पीना खाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि दाम क्या है बाजार के, जो राशन लाता है उसको पता है क्या महंगाई की दर है, वामपंथी कहाँ से खाना मंगाते हैं, मैं तो अपने मंगाती हूँ, मैं तो खुद आई एम वेरी गुड कुक और मैं घर का ही खाना खाता हूँ, बाजार में बहुत कम खाता हूँ, सब इन्होंने सिर्फ गैस डीजल के दाम नहीं बताए हैं, पिछले जो 5-7 दिन में इन्होंने 5.31 रुपए SCM पाइप नेचुरल गैस पे मुड़वाए, CNG 69.60 रुपए हुए दिल्ली में, टैक्सी के क्लाब के सामने दाम बढ़े, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो रिटेल महंगाई भी बढ़ेगी, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा, और इनका होल ये नो डाटा गवर्नमेंट है, ये होलसेल इंडेक्स कहां से लेते हैं, नासिक से प्याज का दाम उठाएंगे, अरे दिल्ली पहुंचते वो होते 19 रुपए की प्याज, यहाँ खाली दिल्ली में प्याज खाते हैं लोग क्या, उसके बाद रिटेल में जब आती है वो 60 रुपए हो जाती है, वो आपको बता देंगे, नवरात्र में प्याज खाना बंद कर दो, इनको मार्केट मैकेनिज्म पता नहीं है, बता देंगे, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, इन्हें बताइए कि मार्केट मैकेनिज्म में मैनेजरियल वैल्यूज क्या होती है, इन्हें पता ही नहीं है, मैं वाश बीजेपी वाले कह देंगे नवरात्र में प्याज खाना छोड़ो, वाशने साहब से सिद्धार्थ साहब अंजना जी एक है, वाशने साहब से थोड़ा सा मैं अंतर रखता हूँ, वित्त मंत्री जी तो प्याज खाती ही नहीं है, उनको क्या पता प्याज के